अंडरलाइन करो ये वाला पॉइंट, डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन ग्लास इज लेस देन दैट ऑफ फ्लिंट ग्लास। दो कसम के ग्लास हैं, कई बार फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, क्राउन ग्लास की पावर लेस होती है फ्लिंट ग्लास से, ये फैक्ट याद करना है। जो दूसरी टाइप के डिफेक्ट्स हैं इनको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक एब्रेशन। अभी हमने क्रोमेटिक किया, अब हम मोनोक्रोमेटिक करेंगे। मोनोक्रोमेटिक के अंदर जो पहला टाइप है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपको जो कि लेंस या मिरर है उसका स्फेरिकल नेचर कुछ ज़्यादा ही होता है। मोटा लेंस है, स्फेरिकल लेंस है, होता क्या है लाइट नीचे से भी एंटर कर जाती है ऊपर से भी, तो मतलब नॉन पैरेक्सियल रेज बोल सकते हैं। नीचे वाली रेज पैरेक्सियल है और ऊपर वाली नॉन पैरेक्सियल है, तो वो अलग अलग जगह पर फोकस हो जाती हैं, तो मल्टीपल फोकल लेंथ बन पाती है, मतलब शेप प्रॉपर नहीं है लेंस की, तो लाइट जो मल्टीपल फोकल लेंथ बनानी स्टार्ट कर देती है, ये इसका डिफेक्ट है। इसको रोका जा सकता है स्टॉप्स लगा के, आप या तो नॉन पैरेक्सियल रेज को बंद कर दो, जाना बंद कर दो, सिर्फ पैरेक्सियल रेज को जाने दो, या पैरेक्सियल रेज को बंद कर दो नॉन पैरेक्सियल को जाने दो, तो इससे आप इसको अवॉइड कर सकते हो, राइट। और ऐसे ही जो मिरर्स के अंदर डिफेक्ट हैं, मिरर्स की ये प्रॉब्लम है कि अगर आप मिरर स्फेरिकल लेते हो, स्फेयर की फॉर्म में लेते हो, तो मल्टीपल फोकल लेंथ बन जाती है, नॉन पैरेक्सियल पैरेक्सियल अलग अलग जगह फोकस हो जाती है, तो दो से तीन फोकल लेंथ आ जाती हैं। तो आप स्फेरिकल फोकल लेंथ ना लें, स्फेरिकल मिरर ना लें, इस डिफेक्ट को हटाने के लिए पैराबोलिक लें। पैराबोलिक शेप की कटिंग ऐसे करें कि सारी रेज एक ही जगह फोकस हो, ये इस डिफेक्ट को दूर करने का तरीका है, बस इतना सा पता होना चाहिए।